श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह के मामले में हिंदू आर्मी द्वारा सिविल जज की अदालत में एक सप्ताह पहले दी गई अर्जी पर 4 जनवरी को सुनवाई होनी है। बता दें कि अर्जी पर पहले मंगलवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन शोक अवकाश के कारण उसे टालना पड़ा। स्वयं को हिंदू आर्मी का प्रमुख बताने वाले मनीष यादव ने भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हुए अदालत में दावा पेश किया है, जिसमें उन्होंने 1967 में श्री कृष्ण जन्म स्थान की जमीन को लेकर शाही ईदगाह के साथ हुए समझौते की डिग्री को रद्द करने और ईदगाह को ध्वस्त करके उक्त जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को वापस करने की मांग की है। गौरतलब है कि इससे पूर्व लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत आधा दर्जन भक्तों ने भगवान की ओर से याचिका दाखिल कर यही मांगे जनपद की अदालत में रखी थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी के सचिव, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रबंधक न्यासी तथा श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव को पक्ष बनाया था। मनीष यादव ने भी अधिवक्ताओं के माध्यम से इन्हीं सब को प्रतिवादी बनाते हुए 15 दिसंबर को एक दावा सिविल जज नेहा भदौरिया की अदालत में दाखिल किया था, जिसमें अदालत ने इस संबंध में 22 दिसंबर को दोबारा सुनवाई तय की थी और मंगलवार को यादव अदालत में पेश हुए, परंतु अधिवक्ता के आकस्मिक निधन के कारण अदालत में शोक अवकाश घोषित कर दिया गया। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।